तो दोस्तों दुनिया के लिए भारत अब एक काफी मेजर हब बनता जा रहा है। साउथ में ही देख ले तो वहां पर तो 2-3 बिलियन डॉलर सेमीकंडक्टर के लिए ऑलरेडी निवेश हो चुके हैं। गुजरात में तो भारत के इतिहास में सबसे बड़ा 20 बिलियन डॉलर की पहली सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री लगने जा रही है। और वहीं अब राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर अब एक काफी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। दरअसल अवादा ग्रुप ये लोग तो 5 बिलियन डॉलर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं टू बिल्ड इंटीग्रेटेड ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया प्लांट। इससे राजस्थान एक काफी पावर हब बन जाएगा। अभी कैपेसिटी की बात करें 5 बिलियन डॉलर से ये लोग लगभग सबसे पहले तो 6 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी लगाएंगे फॉर कंजप्शन बाय इट्स ग्रीन हाइड्रोजन एंड अमोनिया साइट्स। नाउ काफी लोगों को पता नहीं होगा कि अमोनिया का हम किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, सो लेट मी टेल यू, इसे काफी बार ऐसा भी कहा जाता है एज अ फ्यूल ऑफ फ्यूचर। जिस तरह से हाइड्रोजन है सेम उसी तरह लगभग इसे भी डिवाइड किया जाता है एज ब्लू अमोनिया, ग्रीन अमोनिया। ये ग्रीन अमोनिया भी हाइड्रोजन से बनाया जाता है जो वाटर इलेक्ट्रोलाइजर की मदद से और वो भी अल्टरनेटिव एनर्जीज को लेकर ये पूरा बनता है, तैयार होता है। इनफैक्ट आपको जानकर आश्चर्य होगा लेकिन सऊदी अरेबिया खुद यहाँ पर एम रख रहा है कि वो तो 1 मिलियन मेट्रिक टन्स ऑफ अमोनिया पर ईयर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दे। और सीधा सेम यहाँ पर टारगेट भारत में भी रखा गया है, ग्रीन अमोनिया प्लांट यहाँ पर 1 मिलियन टन्स पर एनम का डाला जाएगा इन कोटा डिस्ट्रिक्ट। दूसरी तरफ एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो 3,500 सीधा सीधा डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज और 10,500 से ज्यादा इनडायरेक्ट जॉब अपॉर्चुनिटीज राजस्थान में निकल कर आएगी। इसके अलावा ये कंपनी यहीं तक नहीं सीमित है, ये अपने पोर्टफोलियो को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने में लगे हुए हैं विद मैन्युफैक्चरिंग सोलर सेल्स, मॉड्यूल्स, इलेक्ट्रोलाइजर्स, ताकि रिन्यूएबल पावर जनरेशन और तेजी से बूस्ट किया जा सके इन टर्म्स ऑफ ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया प्रोडक्शन। ओवरऑल 2030 तक 10 गीगावाट की ये पूरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी फोटोवोल्टिक सेल्स की भारत में डाल देंगे, जहां पॉलीसिलिकॉन से लेके इंगट्स, वेफर्स सब कुछ यहां पर इंटीग्रेटेड होगा, सब भारत में ही बनाए जाएंगे और इससे चीन से हमारी निर्भरता काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। सी यू सून नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।